बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के ग्रेजुएट महिला महाविद्यालय के इंटर 8 छात्राओं का परीक्षा प्रवेश पत्र उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि कल यानी मंगलवार से उनकी परीक्षाएं शुरू हो रही है। छात्राओं ने छात्र अजूज के साथ मिलकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, साथ ही उन्हें परीक्षा बताया जाता है कि ये वैसे छात्रों समय पर 20 तथा तमान दस्तावेज मध्य विद्यालय में जमा करवाया था, लेकिन महाविद्यालय के द्वारा दस्तावेजों के विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, इसी कारण छात्रों का परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं हुआ है। इसमें इन छात्राओं के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इन्होंने जिले के उपयुक्त के समक्ष मांग उठाई है कि जिले के उपयुक्त इसमें हस्त पेश करके छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अनुमति प्रदान करें। ये है कि सत्र 22-24 ग्रेजुएट महाविद्यालय की 8 छात्राओं का 12वीं का एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया। यह कारण जानने के लिए छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से बात की है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। कारण कि कॉलेज के द्वारा उनका जो भी प्रपत्र है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जैक के वेबसाइट पे अपलोड किया ही नहीं गया है। तो इसमें छात्र की गलती क्या है? कल से इनका एग्जाम शुरू होना है और उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है और महाविद्यालय प्रबंधन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। जैक चेयरमैन से बात हुआ है, जैक सेक्रेटरी से बात हुआ है, कोई भी अपना खोलने का उपाय में वो लोग नहीं दिख रहे हैं अभी और कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। आखिर मजबूरी के कारण आज हम लोग जिला के मालिक उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं, अपनी मांग अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि सर, बच्चों ने समय रहते हुए शुल्क भी जमा किया, आवेदन भी दिया, अपने डॉक्यूमेंट भी जमा किया, इसके बावजूद इन छात्राओं का एक साल बर्बाद होने के कगार पे है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? आप क्षेत्र के गार्जियन हैं, हम आपसे आवेदन करने आए हैं कि सर, किसी भी कीमत पे अपने बच्चों को समझते हुए इनका एग्जाम जो कल से होने वाला है, उस एग्जाम में इनको बैठने का अवसर दिया जाए और बाकी जो प्रक्रिया है वो बाद में किया जाए, लेकिन पहला प्राथमिकता हमारी ये है कि इन छात्राओं को एग्जाम में शामिल करने का अवसर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ हम लोग खूब आंदोलन करेंगे और महाविद्यालय कैंपस में ही हम लोग आने वाले समय में हड़ताल पे बैठने का कार्य करेंगे। ये ग्रेजुएट कॉलेज का मामला है, 8 छात्राओं का मामला है, 1400 बच्चों में से यही 8 छात्राओं का फॉर्म को कॉलेज ने अलग थलग कर दिया, क्या पता फॉर्म कहाँ गुम कर दिया, यह जाँच करनी है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी छाया नगर स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। गोदाम से आग निकलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी टेंट हाउस के मालिक सूचना पाकर प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे। इधर सूचना पाकर झारखंड अग्निशमन विभाग के 2 दमकल भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आधा घंटा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रभात कुमार ने बताया कि उक्त गोदाम में टेंट हाउस का सामान रखते हैं। सुबह लोगों ने आग लगने की सूचना दी। आग से 50,000 से 60,000 रुपये का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया गया है। आपको बिजली का कितने का नुकसान हुआ बस? ये तो मतलब कि अभी नहीं पता चला है, तो मालिक बताएगा। कितने बजे सर आपको सूचना मिली थी इसमें? हम लोग मतलब कि यही 8:30 बजे, हम लोग को सूचना 9 बजे मिला। 9 बजे रात को कि अभी सुबह? अभी सुबह नहीं, सुबह में 9 बजे मिला। कितनी गाड़ी आई थी सर यहाँ पे? 2 गाड़ी आई, एक गोलमुरी से और एक आदित्य हमानगढ़ से। जमशेदपुर में सोमवार को उपायुक्त मंजूनाथ बजयंत्री को छोटा गोविंदपुर पंचायत के मुख्य के नेतृत्व में विज्ञापन सौंपा गया, जहां उनकी मांग है कि छोटा गोविंदपुर के कंपोजिट शराब दुकान खकरीपादा का स्थानांतरित किया जाए। मुखिया ने बताया कि यह शराब दुकान खकरीपादा के नाम से है, परंतु इस दुकान का संचालन छोटा गोविंदपुर में हो रही है। शराब दुकान के कारण महत्वदीय चौक गोविंदपुर पैसेंजर हाल्ट में हड्डाबाजी हो रही है, वहीं कई बार वहां गोलियां भी चली है। इसे आने जाने वाले राहगीरों मुराल्ट वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त से मांग की गई है कि इसे स्थानांतरित किया जाए। क्या लगता है आप लोग के मामले में? ये मामला बड़ा गोविंदपुर का शराब दुकान का है, छोटा गोविंदपुर का है और लीगल रूप से लाइसेंस जो निर्गत है शराब दुकान का वो खचरीपाड़ा का है और अनलीगल रूप से वो जो है छोटा गोविंदपुर रेलवे हॉल के पास ये दुकान शराब दुकान चल रहा है, जो सामाजिक दृष्टिकोण या आर्थिक दृष्टिकोण दोनों से गलत है।
क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्कूल के छोटे बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं, धार्मिक स्थल पूजा पाठ करने महिलाएं जाती है, हमारी माताएं बहने, तो इस तरह का वहाँ पर आटाबाजी जमावाड़ा हमेशा बना रहता है। और इससे पहले भी एक दो बार गोली भी चल चुका है वहाँ। तो ये घटना को देखते हुए हम लोग ग्रामीण ने सब निर्णय लिए हैं, जो हस्ताक्षर अभियान करके हम लोग 500 आदमी साइन करके दिए हैं, और जिनका आवेदन हम लोग के डीसी महोदय के यहाँ भी आज देने आए हैं, देंगे, और आबकारी विभाग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी अवगत कराए। क्या मांग है आपसे? मांग यही है कि वो शराब दुकान उस जगह से कहीं दूसरा जगह स्थानांतरित। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।